इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का फर्स्ट ओडीआई सिर्फ 3 रन से जीती टीम इंडिया। जानिए जीत की 4 बड़ी वजह। शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत को इस जीत के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। आखिरी गेंद में जाकर ही सही पर वह मैच अपने नाम करने में कामयाब रहा है। साथ ही सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 308 रन बनाए थे। हालांकि 50 ओवर में बल्लेबाजी करने के बाद वेस्टइंडीज़ की टीम 6 विकेट खोकर केवल 305 रन ही बना सकी। इस तरह टीम इंडिया ने पहले दौरे में शुरुआत जीत से की। भारत की जीत के कारण, पहला कारण है भारत की इस जीत में उसके कप्तान शिखर धवन से लेकर आखिरी ओवर में 15 रन बचाने वाले मोहम्मद सिराज का अहम रहा है। एक समय पर लग रहा था कि शायद मैच भारत के हाथों से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानिए भारत की जीत के कारण। भारत टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरा। टीम को उसकी ओपनिंग जोड़ी ने दमदार शुरुआत दी। शिखर धवन, शुभम गिल ने पहले विकेट के लिए 119 रन की साझेदारी की। धवन ने 99 गेंदों में 97 और गिल ने 53 गेंदों में 64 रन बनाए। यह साझेदारी टीम के लिए काफ़ी अहम रही। गिल के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर ने पारी को धीमा नहीं पड़ने दिया। उन्होंने धवन के साथ 94 रनों की साझेदारी की। अय्यर ने 97 गेंदों में 54 रन बनाए। अय्यर के इस अर्धशतक की वजह से टीम 33 ओवर में ही 2 विकेट खोकर 213 रन बना लिए थे। वेस्ट इंडीज़ ने पहले विकेट जल्दी खो देने के बाद, लेकिन बाद में शामरा ब्रुक्स और काइल मेकर की शानदार साझेदारी ने भारत की चिंता बढ़ा दी। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी की। हालांकि शार्दुल ठाकुर ने दोनों को आउट करके टीम को मैच में वापसी कराई। उन्होंने 24वें ओवर में पहले ब्रुक को आउट किया, वहीं उसके एक ओवर के बाद वहां फिर 26वें ओवर डालने आए और मेयर्स को भी लौटा दिया। भारत के लिए उस समय यह दोनों विकेट काफ़ी अहम थे। पांचवी वजह है टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में 15 रन की ज़रूरत बचाने की ज़रूरत थी। यह जिम्मेदारी धवन को, मोहम्मद सिराज को दी गई और ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 रन वहीं आए। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर शेफर्ड ने चौका लगाया। पांचवी गेंद वाइड रही, जिसके बाद अगली गेंद पर वेस्टइंडीज़ ने खाते में 2 रन और आए। ऐसा लग रहा था कि मैच सुपर ओवर में जाएगा, लेकिन आखिरी गेंद पर केवल 1 ही रन आया और भारत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। धन्यवाद।